दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया भर में होने वाली अजीबोगरीब शादियां और उनमें मनाई जाने वाली रसूमात। वैसे तो दुनिया भर में होने वाली शादी की तकरीबात में हमें उस इलाके के कल्चर, मजहब और रसूमात की भरपूर झलक नजर आती। शादी की तकरीबात में हमें तोहफे तहफ, नेक ख्वाहिशात और दिली तमन्नाएं नजर आती। इस दुनिया में कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जिनमें लोग अपने ख्वाब पूरे करते नजर आते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों आजकल खूबसूरत मकामात पर शादी करना एक फैशन बन गया, खास तौर पर साहले समुंदर या खूबसूरत बीच पर। लेकिन एक जोड़े ने तय किया कि वो अपनी शादी समुंदर के किनारे नहीं बल्कि समुंदर के अंदर करेंगे। दोस्तों इस जोड़े ने शादी से कई महीने पहले तैराकी और डाइविंग की प्रैक्टिस शुरू कर काम के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल कर लिया और पानी के अंदर इशारों से बातें करना भी सीख लिया। इस जोड़े ने शादी का लिबास पहनकर मुकम्मल रस्म और रिवाज के साथ समुद्र की गहराई में शादी की। इनकी शादी को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने शूट किया ताकि दूसरे लोगों को भी दिखाया जा सके। इस तरह लियू और चंद ने समुद्र की गहराई में अपनी शादी की तकरीब को सरंजाम। दोस्तों अगली फुटेज में हम आपको दिखा रहे हैं इंतहाई खतरनाक मुकाम पर होने वाली शादी। इस शादी में बड़ा किरदार जय और की नामी प्रोफेशनल फोटोग्राफर का है। ये दोनों फोटोग्राफर लोगों को ऐसे मुकाम पर शादी करने के लिए आमादा करते हैं जहाँ पर जाने का इंसान आम हालात में भी नहीं सोचता। ये फोटोग्राफर बगैर किसी हिफाजती सामान के कपल को हजारों फुट बुलंद माउंटेन पर चढ़ा देते हैं। इनका मानना है कि कपल्स ऐसे खतरनाक मकामात पर फोटोशूट करवा के अपनी शादी को यूनिक बना सकते हैं। क्या आप ऐसे डेंजरस मकामात पर फोटोशूट करवाना चाहेंगे? दोस्तों अगली शादी की फुटेज देखने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर्बाद मिलती है। अगली शादी की फुटेज देखकर आप यकीन नहीं करेंगे बल्कि ये आपको किसी फिल्म का सीन नजर आएगा, लेकिन हकीकत में ये शादी ऐसे ही अंजाम पाई। डेविड और कैथी ने अपनी शादी के लिए जाट नाम के एक पादरी को राजी किया कि वो जहाज के ऊपर बंधे हुए उनकी शादी करवाए, जिसके लिए वो पादरी मान गए। दोस्तों इस कपल की शादी के लिए तीन जहाज रेंट पर लिए गए। डेविड, कैथी और पादरी को अलहदा तीन जहाजों पर बांध दिया गया। इस पादरी ने 1000 फुट की बुलंदी पर जहाज पर बंधे हुए इस जोड़े की शादी करवाई। इस वक्त तीनों जहाज 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 1000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे। लाउड स्पीकर की मदद से इन तीनों की आवाजें एक दूसरे तक पहुंचाई गई। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसी अजीबोगरीब शादी होते देखी है? क्राइंग मैरिज या मोहब्बत के आंसुओं वाली शादी कहते हैं। ऐसी शादियां चाइना में होती हैं। इस शादी में दुल्हन को शादी से एक महीना पहले रोजाना एक घंटा रोना होता है। जब 30 दिन का सेशन पूरा हो जाता है तो दुल्हन की शादी कर दी जाती है। शादी वाले दिन पूरा खानदान भरपूर तरीके से और तरह तरह की आवाजों के साथ होता है। इन लोगों का मानना है कि शादी वाले दिन रोना अज़दवाजी जिंदगी में खुशियाँ लाता है। दोस्तों आपने समुद्र की गहराई में और जहाज के ऊपर बंधे होने की फुटेज तो देख ली, अब देखिए स्काई डाइविंग वेडिंग। आजकल कई शौकीन लोग अपनी शादी को यूनिक बनाना चाहते हैं। इसमें कपल्स की शादी उड़ते हुए जहाज में ही करवा दी जाती और जहाज के अंदर ही कपल्स एक दूसरे को रिंग भी पहना देते। इसके बाद दूल्हे और दुल्हन को अलहदा प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स के साथ जहाज से कूदना होता है। इस तरह की शादियों का रवाज यूरोप में आम होता जा रहा है। चाइना में शादी की एक और अजीबोगरीब रस्म के बारे में बात करते हैं। चाइना में तोजा कबीले के लड़के और लड़कियों को शादी से पहले एक मुर्गी को ढूंढना पड़ता है, फिर एक मुर्गी को जिबा करके उसका जिगर खानदान के बड़ों को दिखाना पड़ता है। अगर मुर्गी का जिगर सेहतमंद हो तो लड़के और लड़की को शादी की इजाजत मिल जाती है, अगर जिगर खराब हो तो उन्हें दोबारा कोशिश करना पड़ती है। दोस्तों अब जो फुटेज आपको दिखा रहे हैं इसमें दुल्हन की शादी किसी मर्द से नहीं बल्कि एक जानवर से की जाती है। ऐसी शादियां अमूमन भारत के कुछ इलाकों में देखने को मिलती हैं। इन इलाकों के लोगों के मुताबिक चंद मखसूस लोगों पर बदरूहे और जिन्नात काबिल हो जाते हैं। ऐसी लड़कियां जो दूध के दांतों के साथ पैदा हों या फिर मामूली शक्ल व सूरत की मालक, इसका मतलब है कि इस लड़की पर जिन्नात का साया। इससे जान छुड़ाने के लिए लड़की की शादी किसी जानवर, खुसूसन किसी बकरे या कुत्ते से की जाती है। इस शादी में लड़की के घर वाले
जबरदस्त तकरीब का एहतमाम करते हैं। इस शादी में बाकायदा नाच गाना भी होता है। ये सिर्फ फर्जी शादी होती है, इसका मतलब जिन्नात को दूर बनाना है। जब जिन्नात का साया दूर हो जाता है तो लड़की किसी भी आम मर्द से शादी कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।